हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पूर्णिमा और मैं रहती हूँ ऑस्ट्रेलिया के एक शहर एडलेड में। आज है जन्माष्टमी का दिन, तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जन्माष्टमी वाले दिन मैंने सुबह घर पे तो पूजा कर ली थी, पर फिर हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर भी घूम कर आया जाए। तो हमारे घर के पास में ही इस्कॉन टेम्पल है, तो हम लोग बस अभी वहीं के लिए निकल रहे हैं। चलो मंदिर चलते हैं और मैं आपसे वहीं पर मिलती हूँ। ये आ गए हम लोग इस्कॉन टेम्पल और यहाँ पे लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं। आज काफी भीड़ है यार यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में। आज यहाँ सामने इतना अमेजिंग सा ये प्लेग्राउंड है, फुटबॉल एरिया है ये छोटा सा। स्कूल है शायद ये यहाँ पर ना, वो बिल्डिंग स्कूल है। ये किसका स्कूल है पता नहीं। ये देखो यार आज यहाँ पे लाइन से गाड़ियां खड़ी हुई हैं, काफी भीड़ हो रही है। पता नहीं अंदर मंदिर में क्या होगा, अंदर भी काफी भीड़ हो रही होगी आई गेस। और बस फिर कुछ ही कदम चलने के बाद हम पहुंच गए इस्कॉन टेम्पल। गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 और जब हम मंदिर में अंदर एंटर हुए तो वहीं एंट्री पे रखी हुई थी कुछ स्पिरिचुअल बुक्स जैसे कि भागवत गीता। और क्योंकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर था इसीलिए मंदिर को भी बहुत सुंदर फूलों से और राधा रानी के नाम से सजाया हुआ था। और यहाँ से एंट्री थी मंदिर के मेन हॉल के लिए। और मेन हॉल में एंटर होते ही सामने दिखती है इस्कॉन टेम्पल के फाउंडर श्री एसी भगवत वेदांता जी की प्रतिमा, जिसके ठीक सामने है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बहुत ही सुंदर मूर्ति। और वहीं हॉल में मंदिर के डेकोरेशन की तैयारियां भी चल रही थीं। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। ये पीछे वाला रास्ता है यहाँ का मंदिर का। यहाँ पे है ये छोटा सा शायद कॉन्फ्रेंस हॉल टाइप का है, काफी सारी चेयर्स लगी है, वहाँ पे स्टेज बना हुआ है, बाकी यहाँ पे माइक कंट्रोल सिस्टम और स्पीकर्स वगैरह रखे हुए हैं। अंदर इतना स्पेशियस नहीं है तो शायद इसीलिए बाहर ही यहाँ पे इस तरह से टेंट बना के यहाँ पे कंट्रोल रूम का एक छोटा सा असेंबली रूम टाइप का सेटअप किया हुआ है।
ये है पीछे का रास्ता मंदिर का। और बस फिर राधे कृष्ण के दर्शन करके हम निकले मंदिर से बाहर की ओर। इस जन्माष्टमी मैंने दही हांडी को बहुत मिस किया। राधे राधे गोविंद। और जब हम मंदिर से बाहर निकले तो वहीं बाहर वाले दरवाजे के पास जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे प्रसाद बांटा जा रहा था। राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद। अंदर दर्शन कर लिए हमने भगवान कृष्ण और राधा रानी के, और हमें यहाँ पे प्रसाद में मिली है ये टेस्टी सी खीर। चलो अभी हम हाल फिलहाल निकल रहे हैं घर के लिए। ये देखो यहाँ पे ये नंबर प्लेट, इस पे शैडो W लिखा हुआ है। यहाँ पे ना इस तरीके से अपनी नंबर प्लेट कस्टमाइज करा सकते हो अपने अकॉर्डिंग। लोग आ गए थे इस वक्त घर, और हमारा इस्कॉन टेम्पल का एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ऑब्वियसली इंडिया जितना बड़ा मंदिर तो नहीं था, बट जितना भी था अच्छा था। अंदर काफी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, काफी भीड़ थी आज क्योंकि ऑब्वियसली जन्माष्टमी है तो इस्कॉन टेम्पल में तो भीड़ होनी थी। पर यहाँ पे एक चीज थी, जैसे हमारे इंडिया में हम जितने भी इस्कॉन टेम्पल्स में जाते हैं तो वहाँ पे कैमरा स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अलाउड नहीं है, अंदर आप अंदर पिक्चर्स नहीं ले सकते हो, आप अंदर वीडियोस नहीं बना सकते हो। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे सब पिक्चर्स ले रहे थे, सब अंदर टेम्पल में वीडियो बना रहे थे। तो इसीलिए मैं आपको भी दिखा पाई कि अंदर से ये इस्कॉन टेम्पल कैसा है। और यहाँ पे तो ना यार सुबह से मतलब जन्माष्टमी जैसी फीलिंग ही नहीं आ रही थी। इंडिया में कैसा होता था कि घर के आसपास जो भी मंदिर होता था तो पता चलता था कि आज जन्माष्टमी का दिन है, क्योंकि वहां पे भजन चलते रहते थे पूरे समय और घर तक आवाज आती थी भजन की, और लोगों में चहल पहल रहती थी। मंदिर के सामने से लाइन से फूल माला वाले, प्रसाद देने वाले सब लोग ऐसे बैठे रहते थे। यहाँ तो वैसा दूर दूर तक ऐसा कोई माहौल नहीं है। हाँ, मंदिर गए थे तो वहां पे भीड़ जरूर थी और लोग दिख रहे थे। वहां पे जाके थोड़ा लगा कि जैसे जन्माष्टमी है। और इंडिया में तो जैसे सबसे ज्यादा क्रेज हमें होता था जब हम छोटे थे, तो आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग रात के 12 बजने का वेट करते थे, दिन भर व्रत रखते थे। हम लोग 12 बजे से पहले मंदिर जाते थे वहां पे कृष्ण का जन्म देखने के लिए, और मंदिर इतना सुंदर सजा होता था, वहां पे पालकी सजी रहती थी, झूला सजा रहता था, उसमें कृष्ण भगवान रहते थे। तो वो एक अलग ही क्रेज था यार, जब मंदिर में सब अपने बच्चों को कृष्ण बना के ले जाते थे और उनका रात में जो जन्म होता है वो दिखाते थे। वैसा तो ऑब्वियसली यहाँ नहीं है, बट ठीक है यार, जितना भी है अच्छा लगा मंदिर जाके, काफी पॉजिटिव वाइब आई। तो यार ये था हमारा आज का जन्माष्टमी स्पेशल ब्लॉग। मैं अब आपसे मिलूंगी मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। राधे राधे। राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे राधे।